से हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 से ही रिलेटेड कुछ वैसे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। खैर फिर आते हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस पहले ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चंस में ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। क्वेश्चंस पहले वाले की तरह है, कोई इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है इधर, बट यहाँ पे दो चीजें हैं। एक ट्राइसेक्शन, पहले हम लोग लाइन को क्या है सेक्शन बोल रहे थे, तो सेक्शन करने से दो पार्ट में इसके लिए डिवाइड हो रहा था। मान लो हमने बीच में सी रखा और यहाँ ए बी है लेट से, तो क्या हो रहा था, ए बी पहले था, हमने जब सी डाला तो कितने पार्ट में हो गए, वन एंड वन, दो पार्ट में हो रहे थे। वो इक्वल पार्ट नहीं था, रेशियोज अलग अलग थे, बट दो सेक्शन में हो जा रहे थे। अब ये क्या बोल रहा है, ट्राइसेक्शन, ट्राई मीन्स इधर थ्री सेक्शन, मतलब अब उस लाइन सेगमेंट को कितने सेक्शन में डिवाइड किया जा रहा है, थ्री सेक्शन में। तो थ्री सेक्शन मतलब तब होगा जब एक लाइन सेगमेंट को हम एक और पॉइंट से करते हैं, तब कितने सेक्शन में होगा, समझिएगा। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक लाइन है, इस लाइन ए बी लाइन सॉरी लाइन सेगमेंट को हम लोग कर रहे हैं, तो अब यहां पे पहले हमने सी से किया तो कितने सेक्शन में बट गए, ए बी वन यहां से यहां तक और सी बी दो सेक्शन बट जाएंगे, बोल रहे ट्राई सेक्शन। तो ट्राई सेक्शन मतलब क्या करेंगे, एक और पॉइंट लेते हैं टी, तब तो कितने सेक्शन बटा, वन टू थ्री। और आपके क्वेश्चन से भी एग्जाम्पल से है, यहाँ ट्राई सेक्शन का मीनिंग ऑलरेडी लिख दिया गया है कि थ्री सेक्शन से इक्वल पार्ट्स, मतलब तीनों सेक्शन कितने हैं इक्वल पार्ट्स में बोल दिया हुआ है। अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं बोला रहता देन वी हैव अ ट्रबल कि आखिर उसका रेशियो क्या होगा, बट जब इक्वल पार्ट में बोल दिया है देन वी आर क्लियर अबाउट इट। तो समझिएगा, तीन सेक्शन अब हो गए, कौन कौन से, ए से सी, सी से डी, डी से बी, थ्री सेक्शंस। अब इन तीन सेक्शंस तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, ज्वाइनिंग कौन कौन से, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, 2, -2 एंड लास्ट वन दैट इज बी का -7, 4। ये दो कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन बॉस हमारे पास रेशियो नहीं है, मतलब हमारे पास M1, M2 कुछ पता नहीं है, और हमें फाइंड आउट करना है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, उसी दोनों के आ जाने से तो इसके पार्ट बदल गए ना, पहले तो बेचारा अकेले था वो ए बी, अब सी और डी ने उसको काट दिया, सॉरी मतलब उसको डिवाइड कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, तीन पार्ट में यार बस मस्त तीन पार्ट में करना है, तो हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब सी का भी x, y चाहिए और डी का भी x, y चाहिए, क्लियर है। हम ये कह सकते हैं x, y कहने का मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेट से है, हम नाम कुछ और अपने लिए ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। खैर क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा, ट्राइसेक्शन का मीनिंग भी क्लियर होगा। अब जो आगे बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे बस। अब आप ऐसे सोचिएगा, सॉल्यूशन पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ए और बी आपके पास गिवन है, अब आपने क्या किया, बीच में एक सी और एक और पॉइंट डाला डी, ठीक है, तो आपको निकालना क्या था, सी का और डी का, मतलब सी का कोऑर्डिनेट्स और डी का कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज 2, -2 एंड वंस हियर इट इज -7, 4। अब एक बात प्लीज यहां याद रखिए, अब जो शुरू करें मैं सबसे फर्स्ट लिख रहा हूं फॉर पॉइंट सी, फॉर सी मतलब हम कोऑर्डिनेट्स जो अभी निकालना चाह रहे हैं किसका निकालना चाह रहे हैं, सी का। जब आप कोऑर्डिनेट सी का निकालोगे तो डी को बिल्कुल भूल जाओ, कैसे भूल जाओ, ऐसे मान लो आपने जब सी का निकाला और बोल दिया है क्या कि थ्री इक्वल पार्ट्स में है, मतलब 1:1:1 तीनों क्या इक्वल पार्ट्स में है, तो मैंने क्या बोला, जब आप सी का निकाल रहे हो तो डी का ढक लो, तो डी का आपने क्या किया, भूल गए, तो आपके पास देखो क्या बच रहा है सेक्शन, पहला वाला पार्ट क्या है 1, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, और इधर क्या है 1 एंड 1 क्या हो गया 2, मतलब 1:2 ध्यान से समझना, पहले क्या था तीन पार्ट था 1:1:1 सिंपल, क्या सोचो आप सी निकाल रहे हो तो डी को भूल गए, तो क्या बचा, पहला तो यहां से यहां तक 1 ही रहेगा, इधर क्या बचा 1 एंड 2, तो मतलब इसके लिए सी पॉइंट के लिए M1 क्या है 1 बट M2 क्या हो जाएगा 2, आए समझ में, 3 सेक्शन था, पहला सेक्शन निकाल रहे हो M1 आपको 1, तो अब इसी तरीके से M1 M2 मिल गया तो आपको उसका x और y निकालना तो बिल्कुल इजी है ना। अब क्या चाहिए आपको यार, C का x और y निकालना है,
इसका यहाँ आपको एम वन एम टू मिल ही गया, इसका कोऑर्डिनेट्स मिल ही गया, निकाल लेना है फॉर्मूला लगा के, x बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, फिर y का निकाल लिए, निकल जाएगा यार, नहीं निकलेगा तो फिर मेरे को बताना, बस ट्राई करना, आप आराम से निकाल लोगे, पूरा भरोसा है मुझे। एक यहां से हो गया, फिर भी ये मजाक अलग बात है, बट फिर भी नहीं समझ में आया आपको, बिल्कुल पूछना यार, लेकिन आप कर सकते हैं काम, ये सब चीजें पहले हो चुकी हैं, बट फिर भी कुछ भी इतना सभी प्रॉब्लम हो, मैं हूं इधर यार, आप आराम से पूछोगे। खैर अब आते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा सेक्शन क्या है इसमें, अब दूसरे पार्ट में के लिए, अब हम निकालना चाह रहे हैं फॉर डी, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, डी पॉइंट के लिए यार, कॉमन से सोचना, अब हम सी के लिए बल्कि डी के लिए, तो जब डी के लिए निकाल रहे हैं तो क्या रखेंगे सी को, तो आप यहां से यहां तक देखो क्या हो रहा है, वन प्लस वन टू हो रहा है, यानी कि इसके लिए एम वन हो जाएगा क्या टू, और एम टू क्या हो जाएगा वन, समझ में आ रहा है नहीं, चलिए एक बार और देखते हैं, मैंने बोला जब हम डी निकाल रहे हैं तो सी को भूल जाएंगे, तो पहले हमारे पास तीन सेक्शंस पहले से है ना, ए से सी वन, सी से डी वन, डी से बी वन, थ्री इक्वल पार्ट्स, हम निकाल रहे हैं डी के लिए, मैंने बोला सी को भूल जाओ, मतलब सी पे हाथ रखे, तो देखो क्या वन और वन पार्ट तो जुड़ गया था, टू पार्ट हो गए ना, तो इसके लिए एम वन क्या हो गया टू, और इसके लिए एम टू क्या हो गया वन, क्लियर, बस सिंपल, इसमें भी क्या आपको x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है, यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा, आई होप इजी है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बन जाएगा, आप इसको सॉल्व करके जरूर मेरे को भेजोगे, कंफर्म कर दोगे कि हाँ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट होगा तो जरूर पूछ लोगे। अब इसी का मैं एक दूसरा पार्ट आपको बताने वाला हूँ, हालांकि वो बता चुका हूँ बट फिर भी उसको बताना मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा, अब थोड़ा सा बस ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अलावा, और याद रखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर होंगे 110%, ट्राई सेक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। खैर अब आप लोग में से ज्यादातर लोग को एक टर्म, जैसे ज्यादातर बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं कि सर मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बात बताता हूँ आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली कुछ है नहीं, सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी कवर हो जाता है, बट आप समझेंगे फिर भी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये बेसिकली होता क्या है, कैसे यूज करेंगे। देखो मैंने आपको जो बताया था ना, तो उसमें बोला था कि सेक्शन फॉर्मूला में हम सेक्शंस में कर सकते हैं डिवाइड, मैंने एक बात उसमें बोला था आपको, ये जरूरी नहीं कि हम इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करें, जैसे रेशियो कुछ भी ले सकते थे 2:2, 3:2, लेकिन मिड पॉइंट जब आ रहा है बात, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है यार, मिडिल का मतलब होता है कि अगर ये मार्कर है, अगर मैंने इसका मिड बोला मतलब इक्वल हाफ 100% करेगा। खैर अब एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए बी, इसमें बोला ही गया है कि कोई भी पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ठीक है, मान लीजिए बिल्कुल मिड पॉइंट क्या है, दैट इज बी, अब बी यहां पे मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब क्या 1:1 में करेगा, यस और नो, बिल्कुल करेगा, अब इसका ऑलरेडी रेशियो क्या है डिफाइंड है, दैट इज 1:1, मतलब एम वन वन और एम टू बी वन, अब होता क्या है इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, आपको टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि एक लाइन सेगमेंट है उसका कोऑर्डिनेट 2.5 एंड लेट से 3.7 कुछ भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल दिया है एकदम से बोले दिया हुआ है कि इसके मिड पॉइंट डी है, आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब अगर मिड पॉइंट बोल दिया है तो याद रखना मिड पॉइंट बोल दिया मतलब क्या है, एम वन वन होगा और एम टू वन होगा, लेकिन आपको उस समय एम वन और एम टू को भूल जाना है, जैसे ही बात आया कि मिड पॉइंट, आपको सिंपल एक काम करना है, काम क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, डायरेक्टली कर देना है, डायरेक्टली मतलब क्या है, जैसे हम लोग अगर फॉर्मूला से करेंगे तब भी हो जाएगा और बिना फॉर्मूला करें तब भी हो, मतलब जब मिड पॉइंट बोले तो क्या करना है, मैंने बोला x1 प्लस x2 अपॉन बीस का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं मिड पॉइंट, x1 क्या है 2, x2 क्या है 3 अपॉन में 2, तो 2 प्लस 3 अपॉन में m1 प्लस क्या लिखा हमने, जैसे हमके लिए x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 तो 2 प्लस 3 बाई 2, फिर इसको हमने क्या किया y1 प्लस y2 बाई 2 तो 5 प्लस 7 बाई 2, तो यहां पर करोगे तो 5 अपॉन 2 आएगा, इसको करोगे तो 6 आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 बाई 2 अपॉन 6, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर उसी चीज को हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना रहे होते तब क्या होता, समझ लीजिए बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला वही चीज है, अगर हम इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना रहे होते तो थोड़ा और इसको क्लियर देखते हैं, मजे से देखते हैं, मान लीजिए
आपके पास ये था, आपको बोल दिया गया मिड पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2, 5, 3, 7 हमने मान लिया। अब उसी से इसके वैल्यू को मिड पॉइंट बोल दिया गया सी, तो क्या हो गया, जब बोल दिया गया मिड पॉइंट तो 1:1 में हो गया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, m1 = 1, m2 = 1। अब हमें सी का क्या x, y निकाल रहे हैं, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बताया था, मिड पॉइंट जब आया तो आपको क्या करना है, सिंपल x1 + x2 / 2 and y1 + y2 / 2 कर देना है। लेकिन कहां से आया है, वही फॉर्मूला से ही आया है, उसको हम यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं। तो m1 1 m2 1 क्योंकि मिड पॉइंट है ये, अब हम m1 ले लिए, x निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या लगेंगे, m1 x2, तो m1 क्या है 1, x2 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है 3, प्लस m2 × x1, m2 क्या है आपका 1, × x1 क्या है 2, अपन क्या है 2, तो आप इस फॉर्मूला के वाले क्या हो, m1 + m2, तो 1 + 1, क्योंकि दोनों तो 1 ही है ना, m1 और m2 भी 1 है। सिमिलरली अभी देखो 3 × 1 3 + 2 और नीचे क्या है 2, क्या है 5/2 है। सेम यहाँ पे भी अगर x1 + x2/2 करते तो देखो 2 + 3/2 5/2 आ गया। अब y के निकालते हैं तो फॉर्मूला वही m1 x2 m1 1 है, y2 की बात कर रहे हैं तो y2 क्या है आपका 7 + m2 1 और y1 5, तो 1 × 5/2 क्या m1 + m2 = 1 + 2 अगर आपको याद हो तो पिछले वाले में भी यही आया था, मैंने बनाया था जो भेजा है, तो क्या हो गया 5/2, 6 एक क्वाड्रेंट निकला था। तो यही बेसिकली मिड पॉइंट है, दूसरा कुछ नहीं है, वही सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है, बट आपको टाइम बचाने के लिए सिंपल ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में बोले मिड पॉइंट तो आपको इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, सिंपल x1 + x2 / 2 कर दो, y1 + y2 / 2 कर दो, उसका क्वाड्रेंट निकल जाएगा। इससे रिलेटेड पूरा 7.2 आप बना लेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट 7.3 के लिए, लेकिन आप तब तक 7.2 और 7.1 पूरी तरीके से कंप्लीट करें, तब तक हम लोग फिर से मिलते हैं अच्छे ढंग से। और एक रिक्वेस्ट यही है कि जो छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं आपको ध्यान रखेंगे आप, उसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 7.3 में भी कुछ कुछ चीजें यूज होंगी और 7.3 इससे काफी इजी है, ट्रस्ट मी।